बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ डीपीएस इन दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना विद 100% एक्यूरेसी। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साइज क्या होना चाहिए, फोटो का कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए, एडमिशन फी क्या है, और लास्ट में हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और उससे भी लास्ट, सबसे लास्ट में बात करने वाले ऐसे बच्चों के लिए जो पेरेंट्स व्याकुल है कि सर एडमिशन फॉर्म कब निकलने वाले हैं अमुक विद्यालय के, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, UKG एंड सो मेनी क्वेश्चंस इज आंसर्ड इन दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू, पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं, तो लेट्स साइन इन। तो आइए शुरू किया जाए आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का हमारा, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि सर कैसे फॉर्म को फिल करना है और कहाँ कहाँ मुश्किलें आती हैं बच्चों को, इन सारे चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चिपक कर देखिए कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होते हैं, और लास्ट पे हम बात करेंगे व्हाट आर द टेक्निक्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 9 टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। जैसे आप होम पे आएंगे, तो होम पे आने के बाद आपको डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना का ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है। ध्यान से सलीके से हर एक पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे आप एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एडमिशन 2024-2025 का पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से सलीके से देख लेंगे, क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो भूल कर भी भूल ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को और सलीके से फॉर्म को फिल करें। उसके बाद सारी चीज़ें हमने हम लोगों ने बता दी है, एक बार फिर लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या चीज़ें हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन का देख लें। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुल जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा, आप ध्यान से सलीके से फॉर्म को भरिएगा। सिबलिंग अगर आपके हैं तो देना है, अन्यथा नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। साइज़ दिया हुआ है 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, 150 KB से ज़्यादा का फोटोग्राफ होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, और बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारा कॉल आता है कि सर अमुक कारण से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। साइज 150 KB का होना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अबव द नेक, जिसमें आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो पीछे का जो बैकग्राउंड आता है, वो हमेशा वाइट होना चाहिए, जो कि इसमें फोटोग्राफीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस क्लास के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं आप, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, क्लास 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, कि 6 के लिए, साफ साफ यहाँ दे दें। कैंडिडेट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। फर्स्ट नेम क्या है देना है आपको, मिडिल नेम क्या है वो देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आपको DOB सर्टिफिकेट से भरना है यहाँ पे। एज अपने आप ये स्कूल जो है कैलकुलेट कर लेगा। ईमेल फॉर द कम्युनिकेशन, क्या ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं उसको दे दें। आधार कार्ड मांगा गया है बच्चों का, अगर आपके पास है तो दे, अनदर एनए लिख दे नॉट अप्लाइड। जो स्टार मार्क है वो सारी चीज़ें इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो रेट से स्टार मार्क नहीं किया हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल नंबर अपना डाल दें यहाँ पे, लैंडलाइन नंबर अपना यहाँ पे डाल दें, किस आपका जेंडर से बिलोंग करते हैं बच्चा, मेल है फीमेल है, जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है, क्या एड्रेस है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, क्या कौन सा स्टेट है आपका। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप EWS हैं, क्या आप जनरल हैं, क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, क्या आप EWS से आते हैं, जो चीज़ें आपकी आ रही हैं यहाँ पे सलीके से दे देंगे कि EWS हैं, जनरल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, OBC हैं, SC हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से और सलीके से देनी है। घबरा कर कतई फॉर्म को फिल ना करें, हम हमेशा बोलते हैं। उसके बाद क्या रिलीजन है आपका, क्या आप हिंदू हैं, इस्लाम हैं, सिख कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, या अदर है, जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे ध्यान से सलीके से फॉर्म को फिल करना है। घबराहट में कतई को फॉर्म कभी फॉर्म जो है फिल ना करें। उसके बाद यहाँ पे आया है कि सर साइज क्या होना चाहिए, फादर का जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ भी जो साइज़ दिया गया है वो 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, 150 KB से ज़्यादा का होगा देन इट कैन ए प्रॉब्लम। फर्स्ट नेम अच्छे से भरना है, मिडिल नेम क्या है अगर है तो दे, अठना दे, लास्ट नेम यहाँ पे दे, फादर का ईमेल आईडी जो वो यूज करते हो, मोबाइल नंबर जो वो जो यूज करते हो यहाँ पे अच्छे से भर देंगे, लैंडलाइन नंबर अगर है तो दे दें, क्या ऑक्यूपेशन है उनका। यहाँ पे क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, ध्यान से सलीके से उस ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन सारी दी गई चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसको चेक कर लेंगे।
क्वालिफिकेशन क्या है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन किस एरिया में स्पेशलाइज हैं वो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे उसके बाद आप उसको चूज कर सकते हैं। डिजाइनेशन क्या है फादर का, एनुअल इनकम क्या है, सेम टू सेम मदर्स का भी है, 150 के बी के से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, 3.5 से लेके 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंडलाइन, ऑक्यूपेशन क्या है, माताजी का हाउस मेकर है तो हाउस मेकर या जो भी है वो यहाँ पर ध्यान से लिख दें, और कहीं किसी कंपनी में या किसी जॉब प्रोफाइल में है तो वो चीज़ें देना ना भूले, साफ साफ सलीके से बार बार रीचेक कर लें, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन से तो दें किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 4 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो अगर क्लास 4 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी क्लास 3 में किस स्कूल में है वो पर्टेंट स्कूल, स्कूल का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड स्कूल ऐसे करके, बोर्ड कौन से बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है या आईसीएसई बोर्ड में है, वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड करके दो तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आपको ध्यान से चूज करना है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिला, इसको भी भरना बहुत जरूरी है। अब सर्टिफिकेशन का बात किया जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, रेड मार्क से स्ट्रॉक किया हुआ है, एस्ट्रोनॉट आधार कार्ड ही मैंडेटरी नहीं है, है तो दे अनथ है ना दे, अगर है तो जरूर दे, हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा पेरेंट्स से, अगर आपके पास है तो जरूर दें, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बाद में, बर्थ सर्टिफिकेट दें, आधार कार्ड दे दें, अगर है तो जरूर दें, एड्रेस प्रूफ दें अपना, कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो दे, करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, लास्ट ईयर का ईयर रिपोर्ट कार्ड आपको अपलोड करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द करेंट स्कूल, वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए बच्चे का, फोकसिंग ऑन हर फेस, फेस पर ही फोकस किया गया हो, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे दिया गया है, मदर का भी सेम होना चाहिए, अबव द नेक एंड लास्ट एकेडमिक सेशन फाइनल रिपोर्ट कार्ड अगर आप क्लास 2 से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, करेंट एकेडमिक सेशन सेमेस्टर्स रिपोर्ट कार्ड इफ अप्लाइंग फॉर क्लास 2 एंड अबव, क्लास 2 और अबव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो करेंट एकेडमिक सेशन जो अभी है, क्योंकि फाइनल के एग्जाम्स अभी बहुत से स्कूल्स में नहीं हुए हैं तो वो हाँ वही आपको जमा करना है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट करेंट स्कूल से सर्टिफिकेट बनता है, स्कूल में बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ बनता है, वो चीज़ें आपको यहाँ देनी मजबूरी है चूँकि यहाँ मांगा जा रहा है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में कोई चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं, वोटर का दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लास्ट टेलीफोन बिल, मोबाइल या लैंडलाइन उसका भी बिल यहाँ पर चलेगा, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट ये भी आपका चलेगा, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट अगर आपका बैंक का पासबुक है तो उसका स्टेटमेंट भी लेटेस्ट वाला यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्ड हाउ टू फिल द फॉर्म सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज टू गेन अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, यू हैव द काउंसलिंग सेशन, यू कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड इफ अवेलेबल, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है कि आधार कार्ड दे दीजिए, अगर है तो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द डिजाइनेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, अगर आप हैं तो जरूर दें, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जैसे आप सारे चीज़ों को फॉर्म फिल कर लेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के टर्म एंड कंडीशंस को लास्ट में एग्री करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। एक बार हम फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद लास्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या इसके बाद कैसे क्या करना है, इससे आपको और ज़्यादा सहूलियत हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जाए बिना लेट किए हम फॉर्म फिल करके देखते हैं। आपको ये फॉर्म निकल जाएगा जहाँ पे पेमेंट आपको जो करना है वो 2500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, 2500 रुपये आपको पे करने हैं। पे करने के लिए आप यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से भी पे कर सकते हैं, आप फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, कोई भी UPI ID यहाँ पे करके 2500 रुपीज़ यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको एक मेल आ जाएगा, मेल तो अभी भी आ गया होगा, जैसे आप फॉर्म करेंगे आपको मेल आ जाएगा कि दैट इज़ द अमाउंट दैट यू हैव टू पे,
अब हम बात करने वाले हैं कि सर अब क्या किया जाए ऐसे बच्चे के लिए जो कि एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं। डीपीएस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल, बहुत ही अच्छा विद्यालय है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए चाहते हैं, बट हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन सर, एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू क्रैक द एग्जामिनेशन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम आज बुलेट पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। आप उसको फॉलो करेंगे तो देन यू कैन बी इन द पटना टॉप स्कूल। पहले तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, अगर आप यहाँ रहते हैं पटना में या पटना से बाहर रहते हैं, देन यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। जिस क्लासेस की एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल आप 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 से लेके कोई भी क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे की जाए सर, द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स इंग्लिश एंड हिंदी। मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स इंग्लिश और हिंदी से पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो कि दिए नंबर कॉल पे कॉल करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इन विच वी हैव द लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऑन गूगल मीट at 5:30, a special batch for the class 6, 7, 8 and 9 for to crack the examination to be in the Patna's top school. अब ये bonus tips है कि आप अपने previous year books को जरूर follow करें, जो कि आप जिस वी क्लास है और विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने previous year books को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी इसका होने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपके पास एक क्वेश्चन बुकलेट अगर मिल जाए, यहाँ पे मैथ्स हिंदी और इनसे क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, तो आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सर, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेरी था सर कि क्लास 1 की वैकेंसीज कब आ रही है, क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक क्लास की वैकेंसी आ रही है, जरा जल्दी आएगी, संत माइकल्स की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद जितने ही पटना के टॉप स्कूल है, संत जेवियर्स की वैकेंसी से लेकर संत कैरेंस की वैकेंसी बैक टू बैक आने के चांसेस हैं। जो भी विद्यालय के वैकेंसीज आउट होंगी आप हमारे चैनल के थ्रू जान सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल to be in the Patna's top school, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। I repeat, previous year book is very very important, repeat on the previous year important questions and the smart way to crack the examination. Examinations में तैयारी बहुत ज़्यादा important है, तरीका क्या है, कैसे questions आएंगे, कैसे papers आते हैं, सब के लिए हमारे channels को subscribe करना नहीं भूले। और if you want to enroll, wait ना करे, दिए गए numbers में 9472163206 to be in the Patna's top school, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।